हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। तो अब हम मिल चुके हैं अमन भाई से, न्यू स्पेस कार एक्सेसरीज। तो भाई इंट्रो कर दिया आज अमन भाई ने। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आ चुके हैं कार म्यूटर्स पे। चलो वीडियो बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो गाड़ी है भाई हमारी यूपी की रहने वाली है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने ये सेटअप अभी चेंज करना है सेकंड पार्ट के अंदर, ये और पीछे की टेल लाइट का कॉर्नर। तो ये आप लोगों को हमने ना इसमें व्हाइट करा है ना इसमें एलईडी डाली है, क्योंकि ये चेंज ही होगा तो अभी करने का कोई मतलब नहीं था। नीचे देख लो, इम्पोर्टेड फ्रेम विद ग्लॉसी विद प्रोजेक्टर, फॉग लाइट हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दी है। एक्स लाइन के लोई भी लोग हैं हमारे, 18 इंची आ गए हैं। जेके का टायर है, उसके बाद साइड में फेंडर गार्निश है जीएफएक्स का। सब कुछ फिलहाल के लिए ब्रांड बता देता हूँ आप लोगों को। ताइवान का ग्लॉसी है, ताइवान का ग्लॉसी लगा दिया भाई ने। देखो आईपीएच का प्रोजेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। ये भी ट्रिपल कलर है, एक बार कलर चेक कर लो यार, ठीक है। इसमें ट्रिपल कलर आप लोगों को मिल जाता है। येलो हो गया, येलो है, येलो व्हाइट हो गया, वॉर्म व्हाइट, और ये प्योर व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। ट्रिपल कलर के अंदर ये आप लोगों का आ गया। उसके बाद अपना ओरिजिनल आ गया किया का अलॉय व्हील, ये ग्लॉसी वाला है भाई, देख सकते हैं आप। हाँ, और इसमें ये कैलिपर रेड कर दिया हम लोगों ने, रेड करके दिया भाई। ये ऑप्शनल होता है, करवाना चाहो नहीं करवाना चाहो, दोनों ऑप्शन है। वो तो अपने ऊपर है भाई, है ना। जीएफएक्स का, हाँ, ये जीएफएक्स का ओरिजिनल आ गया जी भाई। ओरिजिनल साइड मिरर आ गया किया के, जेन्युइन है बिल्कुल। डब्बा पैक इंडिकेटर आ गया, ठीक है भाई। देखो एक आपको दिखेगा कोने से कोना, ओरिजिनल है। और ये हम लोगों ने हाइड्रो डिप पेंट करा है, इस अपना कोई रैप प्रूफ नहीं करा। ये कॉर्नर दिखा दो, पन्नी में ना सिलवट आती है, पन्नी में कोई सिलवट नहीं है। ओरिजिनल कैप अपना पूरा का पूरा हाइड्रो डिप कर दिया। डोर वाइजर आ गए भाई, कौन सी कंपनी लगाया भाई डोर वाइजर? ये फोर पीस किया हमें। रूफ रेल्स नट वाले लगाए भाई, नट वाले हैं भाई, देख सकते हैं आप। फोर डोर हैंडल आ जाएंगे अपने, क्रोम हैंडल लगा दिया भाई। ये अपना आ जाएगा सीएन लिंक का भाई, अपना गैलियो का आ जाएगा, गैलियो का भाई, ये अपना गैलियो का आ जाएगा। ये सब ओके भाई, साइड में लगा दिए, देखो देख सकते हैं हम, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है भाई, फोर पीस है ना। फिर मड फ्लैप है, ये भी ओरिजिनल रहता है अपना, मड फ्लैप है भाई, ठीक है। उसके बाद पीछे आ जाओ, ये अपना डोर गार्ड ये कंपनी से लग के आया था, किया था कंपनी से लगा हुआ भाई। डोर गार्ड जीएफएक्स का ओरिजिनल मिल जाएगा, देखो ये प्लास्टिक है ना जी, उसमें रबड़ आ जाएगा, रबड़ आता है। और ये डैम्पिंग भी हो रखी है, ठीक है भाई। डैम्पिंग डीडी ऑडियो की कर रखी है, वो भी ओरिजिनल यूएस का ब्रांड है, ठीक है। बाकी आप डीडी ऑडियो गूगल पे डालोगे तो आपको ब्रांड के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ये क्या भाई, एक्सलेंट बना दी। नहीं इसमें यार ये रहेगी खाली, कॉर्नर वाली आपने बताया ना, अगले पार्ट में करोगे ये वो करके देंगे। ब्रांड का वो रह गया, बस ये पीछे का डाल दिया, 360 डिग्री कैमरा डाल दिया, पीछे का बम्पर रोड डाल दिया भाई। रेयर गार्ड अच्छा लग रहा है भाई, देख सकते हैं इसमें भैया ने साउंड सेटअप बहुत बढ़िया किया है भाई। सबसे पहले तो मॉडल का एम्पलीफायर है, 4 चैनल का, 4 चैनल का बूफर नहीं है, देख सकते हो बूफर नहीं लगा के दे रखा, ठीक है। बूफर नहीं है, अभी साउंड सुनाऊंगा वो भी बता दूंगा। ये स्टीरियो जो है कौन से मॉडल का है? ये क्रेटा में आता था मैंने सुना, ये क्रेटा का ओरिजिनल ही है, 990 नंबर जमैका का। अच्छा, ये सेल्टोस का भी आ गया, बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम टू फ्रेम वाला। हाँ, जो अपना है 12.33 है ना, 33 है। इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, जो कैमरा आप लोग देख रहे हो ये बम्पर कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा जी भाई, लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने साथ आप ले जाएंगे, ठीक है। 4/64 की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट मिल जाएगा, एएचडी कैमरा सपोर्ट मिल जाएगा। अब ये एचडी कैमरा सपोर्ट इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये फ्री वाला जो आता है ना ये सस्ता कैमरा आता है, ये बम्पर कैमरा होता है 350-400 रुपए वाला, ठीक है भाई, ठीक है। फिर अपना ये अपना आ गया फास्ट बूट, वो तो बूटिंग आप लोगों को दिखा दूंगा। 4 वोल्ट का पिगआउट है, जैसे एम्पलीफायर हमने लगाया, ठीक है। वैसे तो हमने इसके अंदर ब्लोपंक का ही हाई लो इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अगर आप पिगआउट से आउटपुट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने हाई लो लगाया ब्लोपंक का। अब मॉडल का 4 चैनल इंस्टॉल करा है, 4 चैनल का मॉडल जो इंस्टॉल करा है 4x70 वाला है, और इसके अंदर आप एमआरपी चेकआउट कर सकते हैं भाई, इसकी रहने वाली है 16,000 रुपए, ठीक है। लेकिन इसका डिस्काउंट है, हर चीज पर डिस्काउंट है, लेकिन फिलहाल के लिए एमआरपी आपको दिखा दी। पार्सल ट्रे भाई आफ्टर मार्केट है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे वाली है, फिटिंग वाली लगा रखी है भाई ने, ये फिटिंग लगी हुई है इसके अंदर, एक्यूरेट है बिल्कुल भाई। हां एक्यूरेट रहती है, बस ये है कि पक्का चेंज कराओगे ये चेंज होगा पूरा, ये पूरा चेंज होता है ये, और ये साइड के पैनल चेंज होता है, लेकिन इसमें सिर्फ फिटिंग डाल के ट्रे डाल के छोड़ दी, ठीक है। बूट मैट डाल सकते हो, बूट मैट इसमें है नहीं, ठीक है। नीचे अपना नॉर्मल स्टेपनी आ गया। अच्छा इसमें भाई ये स्टेपनी बूफर लगा सकते हैं, स्टेपनी बूफर इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये सारा हटाना पड़ेगा। अच्छा ये आपका टूल हट जाएगा, टूल आपको कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टेपनी बूफर इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 360 जो हम लोगों ने इंस्टॉल करा है ब्लोपंक का इंस्टॉल करा है, ठीक है। ओरिजिनल ब्लोपंक आ गया, ठीक है। सिस्टम भी ब्लोपंक का था ओरिजिनल, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है भाई। 360 भी ब्लोपंक लगा दिया ओरिजिनल। स्पीकर भी दिखा देता हूँ, कोएक्सल का डब्बा पड़ा है फिलहाल, ये सोनी ईएस हाईरेस ऑडियो है। अभी आपको मैं गाड़ी के अंदर दिखा दूंगा, फिटिंग हो रखी है इसके अंदर, ठीक है। पैसे वैसे गिर रहे हैं इसके अंदर से, पैसा बहुत है गाड़ी के अंदर। आओ आगे चले, अंदर से उधर से आओ। सो अंदर आ गए भाई, सबसे पहले ऊपर की लाइट व्हाइट कर दी, कैबिन लाइट आप लोगों की व्हाइट कर दी, इधर की भी, इधर की भी, सारी कर दी। उसके बाद अपना दिखा देता हूँ आपको स्टीयरिंग रैप, देखो भाई स्टीयरिंग रैप चांद वाला सब गाड़ी में करते हैं। भैया को फुल ब्लैक चाहिए था, फुल ब्लैक कर दिया,
ठीक है भाई, धागा भी ब्लैक है ना? हाँ, ये इनको फुल ब्लैक का थ्रेडिंग होती है, जिगजैग क्वालिटी में अपना। हाँ, जिगजैग में देखो, फिनिशिंग देख लो। इनको ये था कि भाई मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है और रनिंग बहुत है, और ड्राइवर आप लोगों को पता भाई कभी चल रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं जी भाई, तो उसमें क्या होता है अगर लाइट का इसमें मून डाल देते तो वो हाथ लग लग के तेल से पूरा काला हो जाता है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ये ग्लोसी कर दिया फ्रेम, ठीक है भाई, पूरा पियानो करा है ना, पूरा पियानो कर दिया भाई इसको, गाड़ी में भी दिखाऊंगा, हो गया ये पीस मैट आता है, ये पूरा पियानो कर दिया, ये पीस हो गया, गियर का देख लो, ये पूरा सेंटर कंसोल कर दिया पियानो, ये स्टीयरिंग कंट्रोल आ गया ओरिजिनल वर्किंग, ये भी रेडियो पे चालू है, जिग-जिग कर रहा है, ठीक है। फिर अपना क्रूज कंट्रोल आ गया पूरा वर्किंग, अभी शिपिंग मोड में ही है वैसे, इसको ओके करके आप डिसेबल कर सकते हैं, किसी को नहीं पता हो, देख रहा आपको मीटर में ये लिमिटर सेट है, क्रूज कंट्रोल शिपिंग मोड हटा दिया मैंने, ये देख लो सोनी है इसका कंपोनेंट लगा हुआ, सोनी इसका कंपोनेंट लगा के दिया भाई ने, ठीक है। फ्रंट एंड बैक में कंपोनेंट है, ये पट्टी ग्लॉस ब्लैक कर दी बिल्कुल टॉप, ये अपना पूरा ग्लॉस ब्लैक कर दिया पैनल चारों दरवाजे का, ठीक है। उसके साथ वन टच स्विच लगा दिया ऑटो फोल्डिंग के लिए, फोर वे एडजस्टेबल विद इंडिकेटर 360 दे दिया टॉप मॉडल के साथ, सब कुछ करके पूरा 00 फिटमेंट में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद सॉफ्ट टच दे दिया, ये देखो भाई ये सॉफ्ट टच दे दिया डोर स्टिचिंग के अंदर, क्या होता है भाई मैंने बहुत देख रखा है, खाली भाई देखो के दे देते हैं ना, वो कपड़ा होता है फोमिंग नहीं होती, अभी बजट थोड़ा सा टाइट था तो हेडलाइट नहीं करी है, ठीक है भाई, बजट यार देखो हर किसी का पैसा होता है, हेडलाइट नहीं करी, ग्रिल नहीं करी, डीआरएल नहीं करी, टेल लाइट नहीं लगाई, गियर नॉब नहीं लगाया क्योंकि बजट टाइट था, ठीक है, बजट होता तो वो भी लगा देते हम, ठीक है। अभी ये भाई सब करके मिलेगा भाई यहाँ पे, जो चीज सब मिलेगा देख लो, थ्रो फोक लाइट का ये प्योर व्हाइट पे आ रहा है, ये येलो पे आ रहा है, ठीक है, ये अपना येलो व्हाइट पे आ रहा है, ठीक है, ये हाई बी में, लेकिन अभी तो एलईडी भी नहीं लगी, अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी इतना चल रहा। अब ये देख लो भाई हमारा ये एक्स लाइन आ गया, कंप्यूटराइज फिटिंग वाला डिजाइन आ गया पूरा, ठीक है, 20 mm फोमिंग आ गई, देखो भाई 20 mm फोमिंग आ गई, हेडरेस्ट के अंदर पूरा हेडरेस्ट की फिटिंग आ गई, फोम डाल रखी इसके अंदर है ना, ये हाई डेंसिटी है 20 mm वाली, ठीक है, पूरी फिटमेंट आ गई अपनी पूरी 00, पीछे भी सॉफ्ट टच है, इधर से पीछे भी सॉफ्ट टच कर दिया, पीछे की पट्टी भी ग्लॉसी कर दी, ये भी पैनल ग्लॉसी पूरा जैसे टॉप मॉडल में आता है अपना एक्स लाइन में वही करके दिया अपने, है ना भाई, पूरा पैनल पूरा सब कुछ ग्लॉसी कर दिया इसके अंदर। अब डैम्पिंग अपने अंदर डीडी की डबल लेयर हो रखी है, डबल लेयर डैम्पिंग कर रखी है, अंदर भी हो रखी है, सोनी है इसका कंपोनेंट आगे पीछे भी है, मॉडल का, ठीक है भाई, मॉडल का 4 channel एम्पलीफायर तुम्हारी सीट के नीचे है, ठीक है, और आगे की साइड हमारा जो बोनट के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर स्कोशे की वायरिंग डली हुई है यहाँ से आता, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद अपना सिस्टम ब्लू पंख, आपको ब्लू पंख भाई देखो सेल्टोस में भी ब्लू पंख आ चुका है, कुछ खास नहीं है, बाकी भाई बंदा देख के आता तो कहता यार वो लगा दो, जो ब्रांड इंग्लिशर है, बाकी मॉडल में अपना डीएसपी मिल जाता है, मैजिक डीएसपी वगैरह, इसमें मैजिक वैजिक नहीं है, इसमें खाली इक्वलाइजर मिलेगा, फ्लैट है ये, मैंने देख लिया फ्लैट में बिल्कुल, हाँ बस यही मिलता है, बाकी टीएफएस का टीपीएमएस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आता है ये गाड़ी के अंदर, टायर वगैरह सकते हैं डीजल मॉडल है अपना, ऐसा अपना रहेगा आपके, ये एफएम बेसिक है गाड़ी, गाड़ी में कुछ खास इसमें सिस्टम में कुछ है नहीं, ठीक है। रिवर्स कैमरा चेकआउट करा देता हूँ कैसा आ रहा है, ये भी मैट थोड़ा सा उड़ गया हमारा, लेकिन कैलिब्रेशन पूरी कर दी हम लोगों ने जी भाई, ठीक है। ये अपना हट गया यहाँ से, ये पीछे का आ जाएगा, ये लेफ्ट आ गया, लेफ्ट का एंगल चेंज कर सकते हैं, ये सेडान भी सेडान चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आ गया भैया खड़े हमारे, ये अपना आ गया फ्रंट का पूरा प्रॉपर, ये अपना फ्रंट का आ गया, ये फ्रंट देखो कैसा लग रहा है, ये भी ये मत देख रहा, ये अपना वो नंबर पर ढाका था ना वो पड़ा हुआ, बाकी पूरा मैट दिखेगा आप लोगों को। तो ये भाई गाड़ी की एक सेम काम करना चाहते हो भाई, 1.5 lakh रुपए में हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। उसके अंदर आप लोग आगे पीछे सिस्टम विस्टम चेकआउट करा सकते हैं, कौन सा सिस्टम है इसमें बेसिक में बता देता हूँ, ब्लो पंख का सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम है, और एक अलॉय व्हील है, सीट का और इंटीरियर है, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये इतना काम आप लोगों को कराएं तो 1.5 lakh रुपए में आप आके करा सकते हैं, बाकी साइड में एड ऑन कराते हैं छोटा मोटा, जैसे फ्लोरिंग है नीचे मैट मोट एड ऑन कराते हैं, छोटी मोटी चीज एड ऑन कराते हैं, तो आपका बिल जो एक्सटेंड होगा वो आपका एक उस पर एक्सटेंड होगा कि हाँ कितने का क्या सामान लगवा, ठीक है भाई, ठीक है। बेसिक बेसिक 1.5 lakh रुपए में आप लोगों का अलॉय व्हील, इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम विद एम्पलीफायर विद इंटीरियर आप लोगों का रेडी करके हम लोग आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। कुछ एक्सपोर्टेशन चाहिए, जैसे कोई कहता है भाई ये ग्लोसी नहीं कराना, वो ग्लोसी नहीं कराना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो अगर आप लोगों को कुछ कम कराना तो वो भी व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, कोटेशन दे देंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।